अरे मेरे बच्चे कहाँ चले गए सुबह सुबह? सुबह ही उन्होंने अपने आपस में झगड़ा किया था, आखिर उन लोग गए कहाँ होंगे? चलता हूँ ढूंढता हूँ उन्हें। एक तो ये नादान बच्चे तो और ही, इन्हें कुछ समझ में नहीं आता है क्या अच्छा क्या बुरा, बस आपस में लड़ने झगड़ने लगते हैं, ना जाने कहाँ होंगे। आ जाओ मेरे भाई, दो दो हाथ हो जाता है, देखते हैं किसके पास ताकत ज्यादा है। हाँ तो आ जाना, दो दो हाथ हो जाता है, मैं कम मना किया हूँ, मैं तेरे से बड़ा हूँ और मेरे पास ताकत भी तेरे से ज्यादा है, समझा ना? वो तो लड़ाई के बाद ही पता चलेगा मेरे भाई, अभी से बोलने से कोई फायदा नहीं। बाबा आए इससे पहले हमें लड़ लेना चाहिए, नहीं तो वो आके हमें छुड़ा देंगे, आपस में लड़ने नहीं देंगे। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो सुबह सुबह? हाँ आपस में लड़ाई झगड़ा मत करो, चलो आ जाओ मेरे पीछे, कुछ बताना है तुम्हें। आ जाओ बच्चे, मुझे कुछ बताना है, आ जाओ मेरे साथ, जल्दी आओ। मुझे पता चला है सर्बियन डांसिंग लेडी आने वाली है और हमारे पूरे गांव पे हमला करने वाली है। बच्चों तुम्हें सुनाई नहीं दिया? जल्दी आओ नहीं तो वो सर्बियन डांसिंग लेडी आ जाएगी। ऐसा लगता है ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, इन्हें जाके मैं ही छुड़ाता हूँ, समझ में नहीं आता तुम्हें? ऐसी क्या बात हो गई बुढ़ाऊ जो चिल्लाए जा रहे हो? मुझे लड़ना था तुम्हारे बेटे को, जो भोला भाला बेटा ना उसे हराना था, समझे ना बुढ़ाऊ? बेटा तुम्हें कुछ कहना था, मैं ये कह रहा था कि मेरी उम्र ज्यादा नहीं बची, अब मैं जल्द ही मर जाऊंगा, तुम अपने छोटे भाई का ख्याल रखना, समझे ना? अरे तो वो कौन सा छोटा बच्चा है, वो अपना ख्याल रख सकता है? और वैसे हमारे पास कौन सी ऐसी मुसीबत आने वाली है जिसकी वजह से मैं इसका ख्याल रखूं? वो मुसीबत मैं हूँ, मैं दिखाता हूँ तुम्हें, तुम सबको मुझसे डरना होगा, समझ में आई ना? काला दज्जाल किल्बिस से डरना होगा। आ जाओ सर्बियन मेरे पीछे खड़ी हो जाओ। हाँ रहा हूँ मेरे मालिक, हम इनका पूरा गांव खत्म कर देंगे। बाबा क्या आप इसी मुसीबत की बात कर रहे थे क्या? हाँ मेरे बच्चे, मैं इसी मुसीबत की बात कर रहा था, यह हमारे गांव पे एक भारी मुसीबत है, यह हम सबको मार डालेंगे, इसीलिए मैं तुम दोनों को यहाँ से भगाने के चक्कर में था। बेटा जान बचा कर भाग जाओ और फ्रैंकलिन से मदद लाना, बोलना कि हमारे गांव पे किल्बिस का राज है, आके हमें बचा ले। अरे तू ऐसे कैसे मेरे गांव पे राज कर सकता है? अभी रुक तुझे बताता हूँ। अरे बेटा उससे झगड़ा मत करना, वो बहुत पावरफुल है। अरे रुक जाओ भाई, अभी मत बोलो, बाबा मना कर रहे हैं तो वो उन्हें पता ही होगा कि वो काफी पावरफुल है, प्लीज आप मत लड़ना उससे। तेरा बाप काफी समझदार है, लगता है मेरे बारे में उसे काफी चीजें पता है। हाँ मालिक, लगता है इसको सब पता है हमारे बारे में, इसे लगता है कि ये भी पता है कि हमने कितने गांव वासियों को मार के उनका खून पिया है, इसीलिए ये बुढ़ाऊ सब जानता है। इसलिए ये बुढ़ा हाथ में चूड़ी पहन लिया और अपने बच्चों को भी पहना रहा है ताकि वो हमसे लड़े नहीं, क्योंकि उसे पता है वो हमसे लड़ेंगे तो मारे जाएंगे। अबे तेरी तो तूने बोलने की हिम्मत कैसे की? नहीं भाई उससे मत भिड़ना। ये ले तेरी मौत है बेटा, ये ले, तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता मेरे कहर से। कहाँ भाग रहा है? ये पड़ा है, ये ले। भाई भाई तूने मेरे भाई को मार दिया, तुमने मेरे मासूम से बच्चे को मार दिया, तुमने अच्छा नहीं किया। बेटा उठ जा, बेटा उठ। बेटा मैं तुमसे एक बात कहता हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम यहाँ से भाग जाओ अपनी जान बचाकर, और जाना फ्रैंकलिन के पास और फ्रैंकलिन से मदद मांगना। बेटा जाओ, मैं कसम खाता हूँ भाई तुम्हारी मौत का बदला इन लोग से जरूर लूंगा, इन लोगों को ऐसे सही सलामत नहीं छोड़ूंगा, जब तक ये जिंदा रहेंगे तब तक मेरी सांस मुझ पर भारी रहेगी, मैं तुम सबसे बदला लूंगा। पिताजी आप भी चलिए यहाँ से। नहीं बेटा तुम जाओ, ये मुझे नहीं जाने देंगे, मैं इनसे लड़ाई कर रहा हूँ, तुम चले जाओ बेटा। नहीं पिताजी मैं आपको लेकर चलूंगा, आप चलिए पिताजी। बेटा तुम जाओ, मैं इसे मार रहा हूँ, बेटा जाओ तुम। ठीक है पिताजी मैं भाग रहा हूँ, मैं यहाँ से निकल के भाग रहा हूँ। दोस्तों मुझे फटाफट से फ्रैंकलिन के पास जाना है और अपने मरे भाई का बदला लेना है। अबे यार तो बस ठीक है, मुझे निकलना चाहिए, अपना सफर स्टार्ट कर देना चाहिए, मैं अपने पिताजी को बचाने जरूर आऊंगा। पिताजी आप घबराइए नहीं, मुझे पता है वो विक्टर तुम्हें मारेगा नहीं, पर मैं आपको लेने आऊंगा, पिताजी आप घबराइएगा नहीं। ठीक है मुझे फटाफट से फ्रैंकलिन के पास चलना पड़ेगा। तूने अपने बेटे को भगा के बहुत बड़ी गलती कर दी, अब जैसे तेरा बड़ा बेटा मरा है वैसे तू भी मरेगा, तू भी, समझा ना? तुम्हें क्या लगता है तुम मासूमा पर जुल्म करके बच जाओगे? देखना एक दिन तुम्हें भी कोई मारने वाला पैदा होगा। सुनो सर्बियन, इस बुड्ढे को पकड़ लो और ले चलो अपने महल अपने घर, चलो यहाँ से चलते हैं और यहाँ के लोगों का खात्मा करते हैं पहले तो, ठीक है ना सर्बियन? हाँ ठीक है बॉस, अभी मोहल्ले का खत्म कर देते हैं एकदम से, आई बुढ़ाऊ का किडनैप कर लेते हैं। ठीक है मरने के लिए रेडी हो जाओ बच्चे लोग, तुझे बताता हूँ कहाँ भाग रहा है बे। हाँ मुझे दे दिया है ऑर्डर, कहाँ जाओगे? ले बेटा कहाँ भाग रहा है अबे, कहाँ है? कहाँ भाग रहा है? वो भाग रहा है। अरे बचाओ हमें, बचाओ प्लीज हमें बचाओ। ये ले कोई नहीं बचाने वाला, तुम लोग को खत्म कर दूंगा, पूरा शहर खत्म कर दूंगा इस बुढ़ाऊ का। ये ले तुम्हारा गांव खत्म कर दूंगा। कहाँ घुस कर बैठे हो काम चोरों, कहाँ घुस कर बैठे हो?
मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। ये भागे जा रहा है, ये ले बे साले, ये ले। अरे बचाओ, हमारी मदद करो प्लीज। हाँ, तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाला, मैं तुम्हारा गांव खत्म कर दूंगी, पूरा खत्म कर दूंगी, कुछ भी नहीं छोड़ूंगी। कहाँ मर गए बे, कहाँ छुपके बैठे हो काम चोरो, कहाँ छुपके? अरे ये बैठा है, ये ले ये ले। अरे बचाओ प्लीज, बचाओ बचाओ हम लोग को। अरे कोई नहीं बचाने वाला तुम लोग को, तुम्हारा मसीहा नहीं है यहाँ पे। कहाँ गया कहाँ गया, चलो बस हो गया, सबके लगता सफाया हो गया। चलती हूँ भाई, अपने विक्टर को बताती हूँ। अरे कहाँ से गोली बरसे लाग भाई, कहाँ चले हो सबके सब बे? कहाँ है कहाँ है? अरे नहीं मालूम रे, कहाँ छुप कर बैठे हैं रे सबके सब। चल छोड़, जहाँ तक है सबके काम खत्म हो गया, चलते हैं फटाक से विक्टर के पास। आ रही हूँ विक्टर। मजा आ गया रे। तुमने मेरे बेटे को पकड़ कर अच्छा नहीं किया, देखना वो मेरा बेटा फ्रैंकलिन से मदद लेकर जरूर आएगा। अरे बुढ़ाओ, उधर देख के क्या बात कर रहा है, हमसे बात कर। मैं जानता हूँ तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और मुझे तुमसे कोई डर नहीं, समझे ना? अरे डर तो तुझे लगेगी अभी, जब तुझे दूसरे बेटे की मरने की खबर आएगी तो। मुझे पता है, मेरा बेटा जरूर फ्रैंकलिन से मदद लेकर आएगा और मुझे बचा लेगा। अभी तक सर्बियन क्यों नहीं आई, उसने पूरा गांव खत्म किया कि नहीं? देख लेना, मेरा बेटा जरूर आएगा बचाने मुझे। और मैं कर्स का हाल है भाई, कहाँ रह गए भाई? वहाँ उधर रहे किल्बेस्ट। तो किल्बेस्ट, हम पूरा गांव खत्म कर दिया है, एकदम खत्म, फिनिश कर दिया है, समझे ना? और इसके बेटे का तो खोज ही निकालूंगी मैं, कहाँ चला गया होगा वो आखिर। यार गाइस, यहाँ तक आते आते मैं तो बहुत ही ज्यादा थक गया हूँ। वाकई फ्रैंकलिन का घर बहुत दूर है, बस थोड़ी दूर और बचा है, फिर मैं अपनी पूरी स्टोरी सुनाऊंगा कि मेरे माँ बाप के साथ क्या किया उस सर्बियन डांसिंग लेडी और किल्बिस डाकर्स ने। मैं डाकर्स को और किल्बिस को छोड़ूंगा नहीं, उन लोगों ने मेरा गांव बर्बाद किया और मेरी पूरी फैमिली को खत्म कर दिया। पता नहीं मेरे पिताजी जिंदा भी है कि नहीं है। तो ठीक है, मैं फ्रैंकलिन के घर बस पहुँचने ही वाला हूँ। 31, 32, 33। अरे बस कहिए फ्रैंकलिन भैया, आपको कौन से आर्मी की जॉब करनी है जो आप सुबह से जिम के लिए जा रहे हैं? 36, 37, 38। हेले यार, आप पका के रख देते हैं, चलो ना कहीं चलते हैं घूमने फ्रैंकलिन भैया, मजा आएगी घूमने में। बाहर जाके हम लोग बर्गर चाउमीन चार सब खाएंगे। नहीं यार सिंचन, जिम करना बहुत जरूरी है, अपनी हेल्थ की केयर करनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ तू भी किया कर, तू भी तो नान सारा मोटा सा है, कम से कम जिम करेगा तो स्टैंडर्ड हो जाएगा। अरे छोड़ो जाने दो, मेरे साले दोस्त मुझे ऐसे ही पसंद करते हैं। हाँ तो दोस्तों, फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ठीक है फ्रैंकलिन भैया, चलिए ना फ्रैंकलिन भैया, बोर मत करिए, चलिए हम लोग घूमने चलते हैं। फाइनली गाइस, मैं तो पहुंच चुका हूँ, बहुत ज्यादा थक गया हूँ, बता नहीं सकता आपको। ठीक है बस फ्रैंकलिन घर पहुंच जाता हूँ, पहले तो मैं जाके आराम करूंगा, फिर उसके बाद कुछ बताऊंगा। ठीक है, ये रहा फ्रैंकलिन। ओ भाई, हाँ ठीक है, अब थोड़ा सा आराम मिला, अब थोड़ा सुकून है भाई, बहुत ज्यादा थक गया मैं। ओ भाई, आप कौन हो जो आप आके ऐसे मेरे घर में बैठ गए हैं? मैं तो आपको दूर दूर तक नहीं जानता कि आप कौन है, मुझे तो ऐसा लगता है कि आप इस शहर के भी नहीं लग रहे हैं। आखिर आप कहाँ से आए हुए हैं और हमारे घर किस लिए आए हैं, बताएंगे? प्लीज मुझे थोड़ा सा सांस ले लेने दो, अगर हो सके तो थोड़ा पानी दे दो। सिंचन, जाके एक गिलास पानी लेके आ। अरे ठीक है फ्रैंकलिन भैया, मैं लेकर आता हूँ फटाफट से पानी एक गिलास, पता नहीं कौन आ गया। हाँ तो ठीक है, अब मुझे बताओ फटाफट से क्या माजरा है, तुम मेरे घर में क्यों आए हो? पता नहीं क्यों आज मुझे सुबह से उलझन हो रही थी, ऐसा लग रहा था कुछ ना कुछ तो होने वाला है। तुम्हारे ऐसा कल देख के ऐसा लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है, बताओ भाई जल्दी से। मैं आपसे बता नहीं सकता कि मैं कितना ज्यादा परेशान हूँ, सर्बियन डांसिंग लेडी डाकर्स और उसका दोस्त किल्बिस मेरे गाँव पे हमला किया, पूरे गाँव वासी को खत्म कर दिया फ्रैंकलिन उसने, और मेरे बड़े भाई को भी खत्म कर दिया सॉन्ग वोंग्स को। क्या, ये क्या नाम है? अरे सॉन्ग वोंग्स, उसने मेरे भाई को खत्म कर दिया, मेरे बाप मेरे पिताजी को कैद कर लिया है, मेरे पिताजी को किडनैप कर लिया है, मेरे पिता ने मुझे वहाँ से भगा दिया, तुम्हारे पास भेजा तुमसे हेल्प लेने के लिए। क्या तुम मेरी मदद करोगे फ्रैंकलिन? मुझे अपने पिता को आजाद करवाना है। अरे जल्दी जल्दी चलो, ना तो सारी कहानी मिस हो जाएगी। क्या बता रहा है ये लड़का, पता नहीं क्या क्या बके जा रहा है, ये लगता है सारी कहानी मिस ही हो गई है। अच्छा तो मतलब तुम्हारा कहना है कि सर्बियन डांसिंग लेडी किल्बिस और डाकर्स मिलकर तुम्हारे गांव पे हमला किए हैं, तुम्हारे सारे गांव वासियों को खत्म कर दिए हैं और तुम्हारे पिताजी को किडनैप, तुम्हारे भाई को तो जान से ही मार दिए हैं, तो आखिर वो तुम्हारे पिताजी को क्यों किडनैप करेंगे? उन्हें भी मार दिए हो साथ, तो जिसे तुम बचाने जाने की कोशिश कर रहे हो और अपनी जान भी खतरे में डाल दोगे। नहीं, मुझे अच्छे से पता है वो मेरे पिताजी को नहीं मारेंगे, क्योंकि वो जानते हैं मैं उन्हें छुड़ाने आऊंगा तो वो मुझे पकड़ लेंगे। पता नहीं वो लोग मुझे क्यों मारना चाहते हैं, ये आज तक मुझे पता नहीं चला। मेरे पिताजी मुझे कुछ बताना चाहते थे पर मेरे भाई ने उनसे झगड़ा किया, उनकी बात नहीं सुनी, आज मुझे पछतावा हो रहा है, काश की वो सारी बातें मुझे पता चल जाती। अरे यार, यहाँ तो जैसे कोई पिछल की शूटिंग चल रही है। तो ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, बाकी तुम
बताओ तुम्हारे पिता को वो सर्बियन डांसिंग लेडी लेकर कहाँ गई होगी? वो काली पहाड़ के पीछे लेकर गई है, वहाँ एक टूटा फूटा घर है, वहीं पे वो मेरे डैड को रखी है। प्लीज फ्रैंकलिन मेरी मदद करो मेरे भाई, तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है। वो मेरे पिता को मार तो डालेगी ही, साथ साथ वो मुझे भी मार देगी। मुझे मेरे भाई का गम अभी भूला नहीं, मैं चाहता हूँ कि मैं उसे अपने भाई की मौत का बदला लूँ और अपने पिताजी को आजाद कराऊँ। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए रेडी हूँ, चलो निकलते हैं फिर हम तुम्हारी मदद के लिए। और हाँ दोस्तों, फटाफट वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट्स में पार्ट टू जरूर लिखिएगा ताकि आपको आगे की कहानी पता चल सके। आखिर सर्बियन डांसिंग लेडी डाकर्स और क्लिविस क्यों मारना चाहते हैं इस वोंगसोंग को? अजीब सा नाम है, मुझे बनता भी नहीं है, जैसे हो रहा मैं बोल रहा हूँ। तो आखिर क्या राज है, आखिर इससे क्या हल होने वाला है? इनकी फैमिली को मार के उसे क्या मिल जाएगा क्लिविस को? तो ये आप अगले पार्ट में जानिएगा। चलिए हम लोग फटाफट से चलते हैं, फटाफट से कमेंट में पार्ट टू लिखिएगा, वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। चला जा सिंचन, चलते हैं, आ गया हमारे पास एक मिशन। हाँ फ्लाइंगिंग भैया, चलिए हम लोग चलते हैं एडवेंचर पे। सुनो दोस्तों, कमेंट्स में पार्ट टू जरूर लिखना। हाँ चल ठीक है, निकलते हैं यहाँ से। चलो आ जाओ गाइस, मुझे फॉलो करो, मैं अपनी निकालने जा रहा हूँ एकदम हार्ड वाली गाड़ी, अब मैं उसी से चलूंगा बढ़िया मस्त लड़ाई करने। काश कि मैं सारे राज अपने बच्चों को बता सकता, मैं बताना चाहता था पर इन लोगों ने हमला करके हमारे गांव को खत्म कर दिया, मेरे बच्चे को भी खत्म कर दिया। पता नहीं मेरा वोंगसोंग कहाँ है, उसे पता भी नहीं कि वो एक क्या चीज है। वो एक चाबी है सोने के खजाने की, वो मरेगा तो एक चाबी में तब्दील हो जाएगा और ये लोग उस चाबी को खोल के बहुत से शक्तियाँ बहुत से खजाने निकाल सकते हैं, इसीलिए वो उसके जान के पीछे पड़े हैं। पता नहीं मेरा बच्चा कहाँ होगा, काश कि मैं उसे सारी असलियत बता सकता। तो सुनो दाकस, आज चले पार्टी किया जाए ना, मस्त कुछ चिकन उकन बनाना होगा ना? हाँ हम चिकन बनाए हैं, चलो मस्त पार्टी किया जाए। हाँ चलो पार्टी करते हैं, क्योंकि अब सारी शक्तियाँ हमारी होने वाली है, हमारी। हम लोग पूरे दुनिया पर राज करेंगे, ऐसे ही धीरे धीरे करके सारे छोटे बड़े गांव, शहर, देश सबको अपने कब्जे में कर लेंगे और बन जाएंगे यहाँ के राजा। हा, कब तक बचकर तू भागेगा मुझसे बच्चे? एक न एक दिन मेरे हाथ तो लग ही जाएगा।